नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूं कृतिका। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते शराब के खरीदार। जहां एक तरफ हमारा पूरा देश कोरोना वायरस नामक भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, देशवासियों के साथ भारतीय सरकार भी इस खतरनाक बीमारी से लगातार लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते लोग शराब खरीदने के चक्कर में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र गजरौला के ग्राम सलेमपुर गोसाई का है, जहां सरकार द्वारा शराब बिकने के आदेश होते ही शराब की दुकानों पर शराब खरीदने वालों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जिनको ना तो देश में फैली भयंकर बीमारी का डर है और ना ही बीमारी के दौरान देश में हुए लॉकडाउन की चिंता। उन्होंने सोशल डिस्टेंस की तो धज्जियां उड़ा ही रखी हैं। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि शराब खरीदने वाले लोगों के पास घर का राशन लाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन शराब खरीदने के लिए उनके पास तुरंत पैसे आ जाते हैं। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं कि शराब खरीदने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी भूल गए हैं। यहाँ तक कि सेल्समैन द्वारा भी सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं कराया जा रहा, जबकि शासन आदेश द्वारा ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाए, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही हो रहा है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अमरोहा से काविंदर सिंह की रिपोर्ट।